हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये लहंगे का डिज़ाइन। ये मैंने साड़ी से बनाया है, ये मेरे किसी क्लाइंट का लहंगा है। इसको मैंने बनारसी साड़ी से बनाया है, तो मैंने इसको किस तरह से तैयार किया है तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ साइड में पहले साड़ी दिखा देती हूँ कि साड़ी किस तरह की थी। तो देखिए, ये बनारसी सिल्क की साड़ी, देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की थी। तो ये इस तरह की, देखिए ये बनारसी साड़ी है पूरी, और इसका मतलब इतना सा, ये यहाँ पे ये पल्ले का पार्ट था, आधा आधा मीटर ही थोड़ा सा प्लेन था और हाफ मीटर के लगभग इसमें पल्ले का डिज़ाइन बना हुआ था। और फिर पूरी साड़ी है जो सारी एक जैसी ही डिज़ाइन की साड़ी थी पूरी। देखिए इस तरह की पूरी साड़ी थी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी साड़ी। और साड़ी में दोनों साइड में इसी तरह का, इसमें ये बॉर्डर है साड़ी में, इस तरह का ये बॉर्डर था, दोनों साइड में एक सा ही बॉर्डर था, तो मैंने वो दोनों बॉर्डर का भी इसमें नीचे यूज किया है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि तो मैंने कैसे बनाया है। तो जो साड़ी का बॉर्डर था, तो मैंने साड़ी के पल्ले को कट कर दिया अलग, और साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर को अलग निकाल दिया है मैंने। तो जो बीच का हमारा साड़ी का पार्ट था, उससे हमने ये कलियाँ निकाली हैं लहंगे की, आपको दिखाती हूँ। तो जो साड़ी का बीच का पार्ट था, उससे मैंने इसमें ये कलियाँ कट की हैं मैंने सिर्फ यहाँ तक। और तो देखिए, ये मैंने 24 कली का लहंगा बनाया है, तो कलियाँ सिर्फ मैंने यहाँ तक इसमें कट की थी। और जो ऊपर नीचे साड़ी में जो बॉर्डर था, उसको मैंने दोनों बॉर्डर को आपस में ज्वाइंट कर लिया, दोनों बॉर्डर को, और ज्वाइंट करके फिर मैंने इसको यहाँ से इसमें ज्वाइंट कर दिया, दोनों बॉर्डर को मैंने यहाँ से इसमें ज्वाइंट कर दिया है। कलियों की कटिंग सिर्फ मैंने इतनी ली थी, यहाँ तक कलियाँ हैं हमारी कटिंग की, और फिर यहाँ से हमने दोनों बॉर्डर को इसमें अटैच कर दिया है। तो देखिए इस तरह से दोनों बॉर्डर अटैच करने पे क्या है, हमारा ये लहंगे का जो बॉर्डर है वो थोड़ा चौड़ा हो गया है, मतलब नहीं तो हम एक बॉर्डर रखते तो वो यहीं तक आता, लेकिन दोनों बॉर्डर से हमें ये अच्छा इसका लुक मिल गया है। ये मैंने दोनों बॉर्डर को, दोनों साइड में बॉर्डर थे उसको मैंने नीचे इसको अटैच कर लिया है। और ये जो साड़ी की लंबाई थी, वो साड़ी की लंबाई कम थी, सिर्फ 5 मीटर लंबाई थी, जिसमें 1 मीटर तो उसमें से हमारा पल्ले का थोड़ा आगे और पीछे थोड़ा सा प्लेन था, तो वो निकल गया है। और जो बाकी 4 मीटर की साड़ी थी, उसमें से ही हमने ये कलियाँ कट की हैं। तो देखिए, लहंगे पर मैंने ये बॉर्डर, कैनवास की पट्टी का ये बॉर्डर लगाया है बैक में हार्ड करने के लिए बॉर्डर को। तो ये बुकरम का आप बॉर्डर लगा सकते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग ली है, तो ये मैंने कॉटन की इसमें लाइनिंग लगाई है। और लाइनिंग को मैंने अम्ब्रेला कट में कट किया है, और लहंगा कलियों का है। और इसमें ये मैंने टसल्स बना दिए इसी फैब्रिक से। तो पूरा लहंगा आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से पूरा लुक आया है लहंगे का, ये देखिए। तो ये हमारी जो साड़ी थी, इसकी लंबाई भी हमारी कम थी, साड़ी की लंबाई सिर्फ 5 मीटर थी, जिसमें 1 मीटर हमारा ये पल्ले का पार्ट निकल गया था, तो जो थोड़ा सा हाफ मीटर में था, और हाफ मीटर के लगभग इसमें प्लेन फैब्रिक था दोनों साइड में। तो ब्लाउज नहीं बना है मेरा इसमें, तो मेरी क्लाइंट का था, उनका ब्लाउज इसमें नहीं बनना था पल्ले की साइड से। आपका अगर बन जाए तो आप बना सकते हैं, तो आप इसमें कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं या ब्लाउज, या जो पल्ले का वर्क होता है उससे आप इसमें ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें नहीं बनाया है, तो अभी इसके लिए मैं ऑरेंज कलर का ब्लाउज बनाऊंगी, इस तरह का प्लेन ब्लाउज बनाऊंगी ऑरेंज, और उसमें हम जो हमारे पल्ले का पार्ट बचा है उससे हम इसमें, इससे हम स्लीव बनाएंगे मेरी क्लाइंट के। अगर आपका ब्लाउज बन जाता है तो आप बना लीजिएगा इस तरह से, आपके साड़ी के पल्ले से अगर आप लहंगा बनाते हैं। मेरा इसमें नहीं निकल रहा था, ये फैब्रिक कम था पल्ले का वर्क का, तो इसलिए मैं इसमें प्लेन ब्लाउज बनाऊंगी ऑरेंज कलर का, अभी मैंने नहीं बनाया। और इससे मैं स्लीव लगाऊंगी, यहाँ तक कि इसमें स्लीव निकल आएंगी। अभी डमी पर तो मैंने ऐसे ही इस फैब्रिक को लगा दिया था। तो लहंगा पूरा कुछ इस तरह का आया है देखिए, और ये मैंने इसमें टसल्स लगा दिए हैं फैब्रिक से।
आप भी इस तरह से अपने लिए लहंगा, आपके पास भी इस तरह की पुरानी साड़ियाँ पड़ी हों जिनको आप नहीं पहनते हैं, तो उनसे कुछ भी नया ड्रेस आप बना सकते हैं। तो अगर हैवी साड़ियाँ हैं तो आप लहंगे भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी ड्रेसें बनती हैं तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रेसें और लहंगों की वीडियो मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो आप इसको देखने के लिए, इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, और मेरे सेकंड चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मेरे सेकंड चैनल ड्रेस अप ब्राइटियर पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।